ना गार्लिक ना टोमेटो और ना ही ऑनियन, फिर भी इतना टेस्टी और यमी हरियाली गोभी आलू मसाला कि पेट भर जाएगा बट मन नहीं। तो चलिए बनाते हैं आज की नई और एकदम लाजवाब रेसिपी। बट उससे पहले मैं खुशबू कनौजिया और मैं अपने चैनल घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक, और अगर आप फर्स्ट बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं आज की नई रेसिपी। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे कटा हुआ गोभी, और गोभी को हम यहाँ पर उबाल लेंगे। तो हम गोभी को पैन में ऐड कर लेते हैं और उसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। पानी हम इतना इसमें ऐड करेंगे कि ये गोभी डूब जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और हल्दी, और इसे उबाल आने तक कुक करेंगे। जब तक इसमें उबाल आता है तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको लेना होगा हरी मिर्च, अदरक और धनिया का पत्ता। इसे हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये मसाला तैयार है। अब हम इसमें और भी मसाले ऐड करेंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर और काली मिर्च और जीरा पाउडर। ये सभी आप अपने टेस्ट के और इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ये मसाला तैयार है, हम इसे साइड में रख लेते हैं और हम देखते हैं कि गोभी हमारा कुक हुआ है या नहीं। तो गोभी में भी अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब हम इसे छान कर इसे ठंडा होने देंगे। तो इसे हम छान लेते हैं। ये पानी ना बहुत ही यूजफुल है। आप इसे ठंडा होने के बाद पेड़ पौधे में भी ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारे पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी। फिर हम इसी पैन को थोड़ा गर्म करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें गोभी को फ्राई होने देंगे। गोभी को फ्राई होने में कम से कम 5 मिनट ज़रूर लगेगा। जब गोभी फ्राई हो जाएगा तो वो इस तरह का लगेगा। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। फिर हम इसी पैन में ऐड करेंगे सरसों का तेल और उसमें छौंक लगाएंगे। जब छौंक गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए आलू, और इसे फ्राई होने तक हम कुक करेंगे। और ये जल्दी कुक हो जाए इसके लिए हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, और सॉल्ट को आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, क्योंकि मैंने गोभी में भी सॉल्ट ऐड किया हुआ है। फिर इसे हम कवर कर कर कुछ मिनटों के लिए कुक करेंगे। कुछ मिनट कुक होने के बाद हम इसे एक दो बार और चलाएंगे। फिर जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे और भी मसाले। हम इसमें ऐड करेंगे कलर के लिए हल्दी पाउडर, और मैंने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है, आप वहां से चेक कर लीजिएगा, और या फिर आप मेरे वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए। मसाला हमारा जले नहीं तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे और फिर इसे कवर कर कर कुछ मिनट और पकाएंगे। कुछ मिनट के बाद हम कवर हटाकर चेक करेंगे कि ये कुक हुआ है कि नहीं। तो देखिए ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है, क्योंकि इसका तेल साइड में छोड़ दिया है। तो फिर हम इसे 1-2 मिनट और चलाएंगे, और ये देखिए ये कुक भी हो चुका है आलू हमारा।
तो फिर हम इसमें और भी ऐड करेंगे बना हुआ मसाला जो कि हमने खुद अभी जस्ट बनाया है। और ये मसाले को आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप तेल और नमक ऐड कर, गर्म तेल और नमक ऐड कर इसे 5 से 10 दिन के लिए भी रख सकते हैं बाहर। तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर और इसे कुक करेंगे 2 से 5 मिनट के लिए। फिर हम कवर को हटा कर देखेंगे कि ये कुक हुआ है कि नहीं। तो देखिए ये तेल साइड में छोड़ चुका है, तो हमारी सब्ज़ी भी कुक हो गई है। आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। और मसाले को कुक होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमने यहाँ पर कच्चा मसाला ऐड किया है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे गोभी और इसे थोड़ा सा ढक कर इसे सारे मसाले इसमें भी एब्जॉर्ब हो सके तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। और मसाला को भूनना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और वो भी लो फ्लेम पर। अब हम कवर हटा कर देखते हैं, तो आप अगर सूखी सब्ज़ी खाना चाहते हैं तो आप इस तरह का रख सकते हैं, या फिर आप ग्रेवी वाली खाने चाहते हैं तो आप इसमें ऐड करिएगा 1 गिलास पानी। और मैंने इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किया है, तो आप मेरी वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे होममेड गरम मसाला। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, तो आप मेरी वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए। और फिर हम इसमें कवर कर इसे उबाल आने तक कुक करेंगे क्योंकि हमारी आलू भी कुक है और गोभी भी। इसमें अच्छी उबाल आ चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब बारी आई सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की, तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ये हैं। इसमें हम ऐड करेंगे गर्मा गर्म देसी घी और इसे ढक देंगे ताकि सारा सुगंध इसकी सब्जी में आ जाए। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म हरियाली आलू गोभी मसाला। इसे आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, पेट भर जाएगा पर मन नहीं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए। जब इसे इतना प्यार से बनाया गया है तो क्यों ना इसे टेस्ट भी किया जाए। सच में ये बहुत ही टेस्टी बना है, यकीन नहीं होता तो आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट कर बताइएगा कि कैसा बना है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर करें। और आप फर्स्ट बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरह की कम बजट में बनने वाली नई रेसिपी आपके लोगों के लिए हमेशा लाती रहती हूँ अपने इसी चैनल घर का जायका विद खुशबू में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड नमस्कार।